हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मानसी व्लॉग्स। आई रियली होप आप सब बहुत ही अच्छे हो। सो आपको याद होगा, अपने एक व्लॉग में मैंने शेयर किया था कि जो मेरे पेरेंट्स का गैस स्टोव है वो दैट वाज नॉट वर्किंग, तो मैंने उनके लिए एक गैस स्टोव बुक किया था। सो आप में से भी शायद कुछ फ्रेंड्स गैस स्टोव लेने का सोच रहे हो, खरीद रहे हो, तो आप में से कुछ फ्रेंड्स का मुझे मैसेज आया था कि मैं उसका एक रिव्यू वीडियो लेके आऊं। सो ये है वो गैस स्टोव और ये मुझे 2 दिन पहले रिसीव हो गया था। सो मैंने इसको यूज करके अच्छे से देख लिया है कैसे क्या वर्क होता है। सो आज मैं इसी का रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये काफी अच्छी पैकेजिंग के साथ डिलीवर हुआ था। सो इसमें आपको मिलता है एक गैस स्टोव और उसके साथ आता है एक यूजर मैनुअल जहाँ पे सारे डिटेल्स दिए हुए हैं आपको। 2 बर्नर्स हैं, एक बड़ा बर्नर और एक छोटा बर्नर। और साथ में मिलते हैं आपको इस तरह का एक बर्नर क्लीनिंग पिन। तो काफ़ी बार जो बर्नर्स है ना वो क्लॉग हो जाते हैं, तो आप इस पिन से आराम से उसको क्लीन कर सकते हो। 4 रबर लेग्स आते हैं, बिल्कुल एंटी स्किड हैं, आराम से आपका ये सेट हो जाता है, हिलता नहीं है गैस स्टोव। और एक पैन सपोर्ट। सो ये है बोरोसिल का फ्लेयर ग्लास टॉप गैस स्टोव विथ 2 बर्नर्स। सो इसमें ऑप्शंस मिलते हैं आपको 4 बर्नर्स के, 3 बर्नर्स के और 2 बर्नर्स के। सो मैंने लिया है 2 बर्नर्स बिकॉज मेरे जो पेरेंट्स का किचन है जैसे मैंने बताया था थोड़ा छोटा है और एवरीडे कुकिंग के लिए भी जो 2 बर्नर्स हैं वो परफेक्ट है। ये काफी कॉम्पैक्ट और स्लीक है, फुल बॉडी इसकी ब्लैक में है। इसका जो ग्लास है वो 8 mm का टफेंड ग्लास है जो कि सिर्फ प्रीमियम प्रोडक्ट्स में ही मिलते हैं। अगली चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इसके बर्नर्स। इस गैस स्टोव में है हैवी ब्रास के बर्नर्स, सो जिससे हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो ये एकदम अप्रोप्रिएट है इंडियन कुकिंग के लिए। जो नॉब्स हैं वो बहुत सुंदर तो दिखते ही हैं, साथ में एकदम इजीली और स्मूथली मूव होते हैं। खाना बनाते हुए अगर खाना गिरता भी है तो नो वरीज, क्योंकि इसमें है स्टेनलेस स्टील के ड्रिप ट्रे, तो आपका किचन प्लेटफॉर्म गंदा नहीं होने देता है ये। और ये ड्रिप ट्रे काफी इजीली क्लीन भी हो जाते हैं। नाउ कमिंग टू इट्स लेग्स, इसके लेग्स में है एंटी स्किड रबर, सो कुकिंग करते हुए गैस स्टोव के हिलने का भी डर नहीं है। ये LPG कंपैटिबल है और स्लैब कटिंग की भी जरूरत नहीं है। सो अगर आप गैस स्टोव लेने का सोच रहे हो तो मेरी तरफ से इसको है थम्स अप। और अभी ये काफी डिस्काउंटेड रेट्स पे भी मिल रहा है। सो इसके रेट्स और इसके और भी फीचर्स अगर आपको पता करना है तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से चेक कर सकते हो। और एडिशनल 10% डिस्काउंट के लिए आप मेरा कूपन कोड मानसी10 भी यूज कर सकते हो। सो आई रियली होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। और अगर आप गैस स्टोव लेने का सोच रहे हो या फिर आपके फैमिली और फ्रेंड्स में से कोई देख रहा है अपने किचन के लिए गैस स्टोव, सो दिस इज अ वेरी गुड गैस स्टोव। सो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। सी यू अगेन अंटिल नेक्स्ट टाइम। टिल द न्यू ऑल टेक केयर एंड स्टे सेफ। बाय बाय।